कई लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा थिंकिंग आती है, तो थिंकिंग को कैसे रोके या निगेटिव थिंकिंग को कैसे रोके, तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, काफी लोगों को बहुत ज्यादा थिंकिंग करने की आदत होती है, बहुत ज्यादा सोचने की आदत होती है, और वो सोचते रहते हैं। सोचने से उनका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। थिंकिंग वैसे दो प्रकार की होती है, एक तो है कि प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग, वो प्रॉब्लम के ऊपर सोचेंगे और उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा सोचते रहेंगे। दूसरा है कि सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग, वो सॉल्यूशन के ऊपर सोचने वाला व्यक्ति रहता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग जो है ना, वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग जो है, वो सोचेगा कि मुझे आज पैसे का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी मैं कैसा सॉल्व करूं, ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया नहीं, मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका, मुझे प्राइवेट कॉलेज में एंट्री नहीं दिया, शायद मैं पढ़ाई करता तो अच्छा हो जाता था, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ पैसा छोड़ा नहीं है, मैं ये कॉलेज जाता था, वो नौकरी करता था तो ऐसा रहता था। मतलब वो सिर्फ सोचते रहेगा और वो प्रॉब्लम के ऊपर ही वही बार बार सोचते रहेगा, कृति कुछ भी करेगा नहीं। या फिर एक आधी औरत है, वो देखती है, वो बोलती है कि मेरी सास मुझे ऐसा बोलती है, मुझे वैसा बोलती है, काश मैंने ये घर में शादी नहीं की रहती तो अच्छा रहता था, काश मैं नौकरी करती तो मुझे मेरी सास कुछ बोलती नहीं थी, ऐसा। मतलब वो सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर सोचती है और ये प्रॉब्लम खड़ा करती रहती है। दूसरा व्यक्ति जो है, वो है सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग, वो क्या करता है, बोलता है कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, मेरे पिताजी ने मुझे नहीं सिखाया, अच्छा मैंने जॉब अच्छा नहीं लिया या नहीं मिला, चलो जान दो, जो हो गया वो हो गया, या मेरी सास ऐसी है, मैं पढ़ाई नहीं किया, या मुझे ऐसी सास मिल गई, या मेरा ऐसा ससुराल है, ऐसा लेडी सोचती है, तो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, वो पास्ट में है, उसका अभी कुछ नहीं है, अभी मुझे क्या करना है, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या अभी मैं नया बिजनेस चालू कर सकता हूँ, मैंने नहीं पढ़ाई किया तो क्या मैं कोई फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ, क्या मैं और कुछ पढ़ाई करके फिर बिजनेस चालू कर सकता हूँ। मतलब ऐसा वो सॉल्यूशन कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा और सॉल्यूशन ढूंढ के उसके ऊपर एक्शन लेगा। पहले वाला व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर सोचते रहता है, एक्शन लेता नहीं है और खामोखा परेशान होते रहता है, और फिर परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी, चिंता बनी रहेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेबिलिटी आएगी, और वो यदि बहुत ज्यादा हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर उसका असर ज्यादा होके उसको मनोविकार हो जाएगा, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाएगी, तो फिर उसके लिए साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो थिंकिंग जब तक कंट्रोल में है, सोच रहे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड करेंगे, सॉल्यूशन सेंटर्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम सेंटर्ड या प्रॉब्लम ओरिएंटेड करेंगे तो शायद आपको बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।